तो ये एक सर्व भारतीय एक डिमांड है, इन मेरे कहने का मतलब ये भारत भर में अलग अलग क्षेत्रों से ये डिमांड आ रही है। इसका मतलब ये है कि भारत में अभी भी जनाकांक्षाएं, जहां तक राज्य बनने की जनाकांक्षाएं, वो अभी पूरी हुई नहीं है। फिलहाल क्या है कि सरकार त्रिपुरा से बात करती है या गोरखालैंड से बात करती है, वार्ता तो करती है, मगर ये इंडिविजुअल केसेस को एड्रेस करती है, एक क्राइटेरिया हो। हम तो चाहते हैं सरकार इसको एक नेशनल पॉलिसी के रूप में इसको एड्रेस करे, या तो नीति में बताए सरकार कि हम हर 15 साल बाद नए राज्य बनाएंगे या 10 साल बाद बनाएंगे, कहने का मतलब कुछ तो नीति बताए। सरकार को अपना बात रखना होगा, सरकार को अपनी मन की बात बतानी होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को एक नीति अपनानी होगी कि राज्य अगर बनेगा तो किन कारणों से बनेगा, या नहीं बनेगा तो हमें बताएं किन कारणों से नहीं बन सकती है। सरकार में भी बैठा है, और हमारा जो इश्यू, हमारा जो डिमांड, वो स्टेट का गवर्नमेंट का इशू नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ ये जो सेपरेट स्टेट का इशू को कभी भी विदाउट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंटरी का कौंसल, बिना कौंसल का बिना कोई दे नहीं सकता है। ये भारत का एक संविधान है, वो भारत का जो संविधान, अड़चन क्या आ रही है, कहाँ भारत का जो, लेट मी क्लियर माय पॉइंट, जो भारत का जो संविधान है वो संविधान का द्वारा ही हम लोग अभी हमारा इशू को हम लोग आगे लेके जा रहा है। और ये पार्लियामेंट ओनली, आवर जो सेपरेट स्टेट का इशू ओनली पार्लियामेंटरी कैन सॉल्व, एंड अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी जी, इफ ही वांट देन ही कैन सॉल्व, बट अदरवाइज ये स्टेट में हम लोग सरकार में बैठा है और हमारा इशू को छोड़ के हम लोग हमारा मुद्दा को छोड़ के बैठ के रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो इशू को कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग दिखाने के लिए, सुनाने के लिए और आवाज़ को हम लोग आगे रखने के लिए हम लोग आज ये जंतर मंतर में हम लोग का जो मूवमेंट वन डे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किया। कितने सालों से लड़ाई है हमारा जो मूवमेंट, वो कंटिन्यू लास्ट 14 ईयर्स ऑलरेडी है। सपोर्ट कहाँ कहाँ से आपको मिल रहा है? हाँ जी, पॉलिटिकल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है किसी पार्टी का? पॉलिटिकल सपोर्ट ये देश में जितना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसका साथ जुड़ता है उन लोगों का साथ सपोर्ट में है। और ये पॉलिटिकल इशू बेसिकली हमारा ही त्रिपुरा का जो पॉलिटिकल इशू है, जो IPFT का जो कोर्ट डिमांड हुई है, और ऐसे ही ये जो हमारा देश में हमारा हर कोने कोने जो सेपरेट स्टेट मांगने वाला सब एक साथ में एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट। और वो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का हमारा प्रेसिडेंट वो हमारा मनीष तमंग जी है, वो हमारा साथ आज मूवमेंट में भी हमारा साथ ज्वाइन में है और हम लोग का साथ में है। और ये मूवमेंट हम लोग का कंटिन्यू है, नॉट फॉर ओनली पॉलिटिकल बेनिफिट, इट इज़ फॉर परमानेंट सोल्यूशन, दैट इज फॉर वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग। सर इनसे पूछना चाहेंगे, सर अलग अलग जगहों पे आप जाते हैं और ऐसे ही तमाम भीड़ भी इकट्ठे हो जाते हैं और आप अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन फिर दिक्कतें कहाँ आती है जो इतना बड़ा इशू बना हुआ है त्रिपुरालैंड के लिए? हमारा तो ये मानना है कि जो त्रिपुरालैंड का नहीं, भारत में जो अलग राज्य का जो डिमांड है वो केवल भारत के किसी एक क्षेत्र से नहीं है। आप देखें त्रिपुरालैंड पूर्वोत्तर के क्षेत्र से, बोडोलैंड भी वहीं से है, फिर आप बंगाल के कार्बी एंगलोंग है, फिर बंगाल की तरफ आएंगे तो वहाँ दार्जिलिंग में गोरखालैंड का डिमांड है, फिर केंद्र की मध्य भारत की तरफ आएंगे आप बुंदेलखंड का डिमांड देखते हैं, फिर पश्चिम की ओर जाएंगे आप विदर्भ देखते हैं, साउथ में तेलंगाना था वो तो हो गया। तो ये एक सर्व भारतीय एक डिमांड है, इन मेरे कहने का मतलब ये भारत भर में अलग अलग क्षेत्रों से ये डिमांड आ रही है। इसका मतलब ये है कि भारत में अभी भी जनाकांक्षाएं, जहां तक राज्य बनने की जनाकांक्षाएं, वो अभी पूरी हुई नहीं है। वैसे भी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 14 स्टेट थे, उसके बाद विभिन्न कारणों से, विभिन्न प्रक्रिया से नए राज्य बने और राज्यों का भी उनके बाउंड्रीज भी शिफ्ट हुए। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अब भारत के जो स्टेट्स हैं वो परमानेंट हो गए, अब जितने इतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जनाकांक्षाओं को लेने वाली एक पॉलिसी है ये। हमारा मानना है कि सरकार को इसलिए इसमें एक नीति अपनानी चाहिए। अभी तक हम जानते हैं संविधान कहता है कि पार्लियामेंट राज्य बना सकता है, मगर किन कारणों से या किन परिवेश में या किन कॉन्टेक्स्ट में बनाएगा इसके बारे में संविधान स्पष्ट नहीं बताती। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को एक नीति अपनानी होगी कि राज्य अगर बनेगा तो किन कारणों से बनेगा, या नहीं बनेगा तो हमें बताएं किन कारणों से नहीं बन सकती है, एक क्राइटेरिया हो।
हम तो चाहते हैं सरकार इसको एक नेशनल पॉलिसी के रूप में इसको एड्रेस करे, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि एक कोई दूर दराज से तो डिमांड है नहीं, भारत के अन्य अलग अलग जगहों में है जहाँ पर सरकार बहुत बड़े बड़े सरकार हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी विदर्भ का बहुत पुराना डिमांड रहा है। तो इन इस कारण से हम चाहते हैं और हम NFNS के थ्रू लगातार ये बोलते आए हैं कि सरकार इसको एक पॉलिसी के रूप में इसको ले और इसके बारे में एक पॉलिसी इवॉल्व करें ताकि हमें पता हो कि किस क्राइटेरिया में राज्य बनेंगे, किन कारणों में राज्य बनेंगे या किन कारणों से राज्य नहीं बन सकते। तो सरकार से जो आप लोग बातचीत करते हैं, जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से आप लोग कागजी तौर पे बात करते होंगे, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, किस किस तरह की व्यवस्था चाहिए आप लोगों को और क्यों चाहिए, ये तो क्लियर होना चाहिए ना पहले। देखिए, भारत में जब श्री कृष्णा कमीशन आई थी अलग राज्य के विषय में, उनका ये रिकमेंडेशन था कि कुछ मुद्दे अगर हों, कुछ चीज़ें हों तो राज्य बन सकता है। उसमें क्या था, उन्होंने कहा था अगर उस क्षेत्र का एक अपना इतिहास अलग से हो। इन्होंने आज अपने भाषण में बताया त्रिपुरा का, जो त्रिपुरा लैंड का जो इनका डिमांड है उसका एक अलग इतिहास है उसका, जो फिलहाल जो राज्य के अन्य लोगों के साथ मिलता नहीं है। मैं स्वयं गोरखालैंड की बात करूँ तो गोरखालैंड क्षेत्र जहाँ है प्रस्तावित क्षेत्र, उसका वर्तमान जो बंगाल में है उससे अलग ही उसका इतिहास है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था उस क्षेत्र का अलग इतिहास के साथ एक अलग संस्कृति भी हो, अलग भाषा हो, अलग संस्कृति हो। और हमारे जितने भी NFNS में जितने जुड़े हुए लोग हैं सबका अपने अपने क्षेत्र में से अलग उनका संस्कृति है। फिर कहा था कि उसकी कॉन्टिग्यूटी हो, मतलब वो एक ऐसा जगह हो जो ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े में बटाओ, एक क्षेत्र में समेटा हुआ हो। तो इन सब का तो रिकमेंडेशन उनका है ही, हम चाहते हैं इस सबको एक नीतिगत रीति में परिवर्तित किया जाए। फिलहाल क्या है कि सरकार त्रिपुरा से बात करती है या गोरखालैंड से बात करती है, वार्ता तो करती है मगर ये इंडिविजुअल केसेस को एड्रेस करती है। हमारा मानना है कि इसको पूरे राष्ट्र के तौर पर, पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक नीतिगत रीति से इसको अपनाया जाए, इसको इसके बारे में एक नीति हो सरकार की और नए राज्य का ये जो सिलसिला है बनने का ये लगातार चलता रहे। ऐसा नहीं कि 14-15 साल में एक बार बहुत डिमांड बढ़ गया तो आपने कुछ किया। आप देखते हैं पिछली बार जो तेलंगाना बनी थी 2014 में, वो 14 साल के बाद बनी थी। 2000 में बनी थी आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उसके बाद 14 साल बाद तेलंगाना बनी। तो ऐसा क्या 14 साल 15 साल, या तो नीति में बताया सरकार कि हम हर 15 साल बाद नए राज्य बनाएंगे या 10 साल बाद बनाएंगे, कहने का मतलब कुछ तो नीति बताए। सरकार को अपना बात रखना होगा, सरकार को अपनी मन की बात बतानी होगी, ये हमारा कहना है। कितनी उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हम सरकार से रख सकते हैं। सरकार बहुत हमसे अलग अलग तरीके से सरकार की बातें हुई है, अलग अलग मूवमेंट के लीडर्स के साथ बातें हुई हैं और ये बात जारी रहेगी। हम पूरा विश्वास करते हैं कि संविधान के तहत हमें इसका निष्कर्ष में हम पहुंच जाएंगे।